अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी रेसिपी है बोंग, बीफ बोंग। कैसे हम घर में बड़े ही आसान तरीके से, घर के मसाला जार से एक खुशबूदार सी बोंग का सालन कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट, रोटी के साथ इसको पेश करें या नान के साथ इसको पेश करें, बहुत ही जल्दी और आसानी से बिल्कुल घुली हुई, आराम से टूट जाने वाली बोंग। और हाँ, एक टिप मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने कोई टमाटर और ज़्यादा प्याज या दही हमने यूज़ नहीं करना, प्याज हम कम यूज़ करेंगे ताकि सालन हमारा मीठा ना हो। इसको थिक करने के लिए कोई भी हमने टमाटर या दही का पेस्ट नहीं डालना, ये अपने आप में ही लजीज होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो मैं दिखाती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई। बोंग बनाने के लिए सबसे पहले हमने गोश्त की पहचान करनी है। ये बोंग का गोश्त यानी बीफ का लेग का होता है, जिसको मछली का गोश्त कहते हैं। ये हमने ले लिया है तकरीबन 2.5 kg हड्डी समेत, यानी इसमें तकरीबन देखा जाए तो 2 हड्डियां इस तरह हैं मिख वाली, ये लाजमी होती हैं क्योंकि इसी से टेस्ट और ख़ूबसूरती में इजाफ़ा होता है। और ये तकरीबन 3 अदर ये मछली वाला है, इस तरह करके बड़ा बड़ा पीस है। इसको सिर्फ मैंने कट्स लगाए हैं 2-2। इसकी बोटी हमने छोटी नहीं करनी क्योंकि बड़ी बोटी में ही इसका मज़ा होता है। और तकरीबन 2 से 3 अदद ये मिख वाली जो बोटी है ये हमें चाहिए, हड्डी है ये चाहिए। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो बस अब कुकर में इसको तकरीबन मैं 1 घंटा पकाऊंगी। तो करती हूँ मैं इसको कुकर में ट्रांसफ़र, तो दिखाती हूँ मैं इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालूँगी। कुकर मेरा बड़े साइज़ का है, तो इसमें मैं हड्डी समेत ये सारा अपना गोश्त और हड्डियाँ जो हैं हमारी मिख वाली, तो ये ट्रांसफ़र कर देती हूँ कुछ इस तरह से। और ये भी हड्डी इसके साथ होती है, जॉइंट्स जो होते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें डालती हूँ सबसे पहले पानी, तकरीबन 2 लीटर पानी ये मैं डाल देती हूँ इसमें। जैसे ही पानी में बॉयल आए तो इस तरह की झाग ऊपर आना शुरू हो जाती है, इसको रिमूव करना बहुत लाजमी है। ये 1 से 2 मरतबा ज़रूर आएगी। तो इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता इस तरह चम्मच की मदद से जितना मुमकिन है इसको निकाल लेना है। ये ब्लड वग़ैरह जो गोश्त का होता है उसका होता है, तो हमने इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। इस तरह करके सारी की सारी झाग हम उतारते जाएंगे। दूसरी दफ़ा फिर थोड़ी सी आएगी तो फिर हम उतार लेंगे इसको। ये मैल मैल सी आपको नज़र आ रही है, जितना भी धोएं हम साफ़ करें, मगर ये स्टेप हमें लाजमी करना है कि इसकी जो झाग होती है ये तकरीबन ब्लड होता है ना, तो ब्लड बॉयल होने के बाद कुछ इस शक्ल में आ जाता है। तो इस तरह सारी की सारी मैं उतार लेती हूँ झाग, थोड़ी देर में ही ये उतर जाएगी, 1-2 बॉयल आने में ही इसमें उतर जाने। तो इसके बाद मैं अपने स्पाइस जो हैं वो इसमें ऐड करती हूँ। तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक इस वक्त ऐड कर देती हूँ, और 2 से 3 अदद ये दालचीनी के पीस इस तरह थोड़े बड़े साइज़ के ये ऐड कर देती हूँ। बादे खताई के फूल 3 अदद ये ऐड कर देते हैं। 3 अदद इलायची बड़ी खोल के ये ऐड कर देते हैं। 8 से 10 अदद काली मिर्च और 8 से 10 अदद लौंग ये डाल देते हैं। बस स्पाइस जो हमारे फ़िलहाल डलेंगे वो यही होंगे। तो इसी स्टेज पे हम कुकर को बंद कर देते हैं और इसको प्रेशर लगा देते हैं। तकरीबन 45 मिनट मैं इसको प्रेशर दूंगी वेट की सीटी बजने के बाद। तो चले मैं इसको कवर कर देती हूँ। 45 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया है, तो 45 मिनट में हमारा जो बोंग का बीफ था वो अच्छी तरह से माशाल्लाह टेंडर हो गया है। मैं चेक करा देती हूँ, देखिए माशाल्लाह इस तरह टच करने से ही, क्योंकि हमने इसको 200% इसको कुक करना होता है, तो इसका बोटी सख्त नहीं रहनी चाहिए। इस स्टेज पे जो इसकी ये वाली हड्डी है इसको मैं रिमूव करके इसके अंदर से जो मिख है ये निकाल दूँगी। ये जो बड़ी हड्डियाँ हैं सिर्फ मैं ये 2 निकाल दूँगी और बीफ को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो इसको निकाल के झाड़ने के बाद इसका मसाला मैं तैयार करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको बोंग का मसाला बनाने के लिए। सबसे पहले ऑयल, तकरीबन 1/4 कप ऑयल ये मैं डाल देती हूँ।
लार्ज साइज़ का प्याज जो मैंने रिंग में काटा है, रिंग में काटने की वजह ये होती है कि ये जल्दी गल जाता है। ये एक टिप है कि आप हमेशा प्याज को इस तरह रिंग में काट के तो ये ब्राउन करने के वक्त ये डालें और इसको ब्राउन करें ताकि ये जल्दी से गल जाएगा। तो इसको मैं बस लाइट सा कलर दे लेती हूँ, ज़्यादा डार्क कलर मैंने नहीं देना। अगर हो सके तो आप जो प्याज यूज़ करें तो वो तकरीबन वाइट कलर का यूज़ करें, इस तरह का रेड नहीं होना चाहिए। मेरे पास आज यही अवेलेबल था तो इसलिए मुझे ये यूज़ करना पड़ा ताकि हमारे शोरबे का कलर ज़्यादा डार्क ना हो। बस इसको हम लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है तो इस स्टेज पे मैंने प्याज को निकाल लेना है पैन से और अदरक लहसुन 1-2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और ये प्याज मैं इकट्ठे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको, प्याज अदरक लहसुन को मैंने ब्लेंड कर लिया। तो ब्लेंड किया हुआ प्याज अदरक लहसुन फिर से दोबारा उसी ऑयल में उसी पैन में हम डाल देते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स। अदरक लहसुन और प्याज की पेस्ट को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून भर के नमक ये डाल देती हूँ, क्योंकि 1 टीस्पून हमने बोंग को बॉईल करते वक्त उसमें डाला था। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च भर के ये डाल देते हैं और थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। 1-2 मिनट भूनने के बाद 1/2 ग्लास इसमें पानी ऐड करूंगी और इसको फिर से मैं लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे इसको ढांप के तकरीबन 6-7 मिनट लाजमी इसको हमने ढांप के दम पे पकाना है ताकि मसाला जात आपस में मिक्स हो जाएं और इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं मसाले को धीमी आंच पे पकते हुए, तो इसको चेक कर लेते हैं। मसाले को तकरीबन धीमी आंच पे 7-8 मिनट पकाना बहुत ज़रूरी है ताकि सारे मसालों का कच्चापन मर जाए, ख़त्म हो जाए। तो अगर हम इसको ग्राइंड करके ना डालते प्याज को तो फिर हमको इसमें लगने थे तकरीबन 16-18 मिनट प्याज को, जब तक के प्याज अच्छी तरह से गल के इस तरह मिक्स ना हो जाता। तो इस स्टेज पे मैं इसको भून लेती हूँ तकरीबन 2-3 मिनट के लिए, ड्राई कर लेती हूँ फ्लेम को थोड़ा हाई करके। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। देखिए इसके भुनने की निशानी ये होती है कि ये उस तरह दानेदार सा नज़र आता है। तो तकरीबन मसाला हमारा रेडी है, तो करते हैं इसको बोंग में ट्रांसफ़र। बोंग को मैंने धीमी आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, तो मसाला जो हमने तैयार कर किया है तो इसमें कर देती हूँ मैं ट्रांसफ़र सारे का सारा और इसको करती हूँ मैं अच्छी तरह से मिक्स और फिर से इसको मैं तकरीबन 4-5 मिनट दम पे रखूँगी ताकि तमाम मसाला जात एक दूसरे में रच बस जाएं और इनका टेस्ट अच्छी तरह से आ जाए और मज़ीद इसका जो रोगन है वो भी तर के ऊपर आ जाएगा। तो लो फ्लेम पे हमने इसको 5 मिनट के लिए फिर से ढाम के रखना है। बोंग हमारी शानदार सी तैयार है। तो इस स्टेज पे 1 टीस्पून भर के घर का गरम मसाला ये डाल देती हूँ और इसी के साथ 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ये डाल देती हूँ और इसी के साथ हमने जो मिख निकाली थी हड्डियों में से झाड़ के हमने रखी थी शानदार सी मिख, जो इसकी खूबसूरती का बाइस भी है और शानदार सा टेस्ट भी डेवलप करती है। तो मिख डाल देती हूँ और फिर से कर लेती हूँ इसको थोड़ा सा मिक्स और इसको ढाम देती हूँ मैं 2-3 मिनट के बाद इसको मैं करती हूँ सर्व। तो दिखाती हूँ आपको फाइनल। तो ये थी मेरी आज की बोंग बनाने की रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। घर के मसाला जात से हम कितनी ही खुशबूदार और शानदार सी बोंग तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा बेहतर और खुशबूदार सी बोंग मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।